लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की कार्यशैली पर विधायक रामकरण काला बुधवार को जमकर भड़के और आनंद फानन में पत्रकार वार्ता बुलाकर कहा कि वह जनता के साथ नाजायज नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों में आपस में तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुकानें खोलने का शेड्यूल उनके और दुकानदारों के बीच बैठकर प्रशासन द्वारा बनाया जाना चाहिए था, जिससे यह प्रभावी तौर पर सफल रहता। जदों ना पता भी जहां हमारे 10 एमएलए क्यों इंटरफेयर कर रहा, क्यों नहीं वहां प्रशासन से काम करता, क्यों नहीं करता? जब हमारे उनके उनके हम निश्चय उनके हम उनके कहना मानते हैं, उनके जिलों के चरण की हमारा जो प्रशासन हमारे यहाँ कहने मना कैसे बात करें, हमारे को पूछ नहीं सकते बैठ कर भी आपने सह बात की, क्या दिक्कत था, क्या तंगी है, जहाँ हमारे 10 एमएलए आप पूछो इधर क्या दिक्कत था, क्यों परेशान हो रहे, अच्छा कुछ सुनेगा नहीं, फिर हम रोवेंगे नहीं, क्या करेंगे? हमारे ऊपर पब्लिक आज जिम्मेदार पूछा, मेरे पूरे लड़के ने पूछा भी जिम्मेदार आज किस तरह नाराज है। तो सर आपको क्या लगता है कि जहाँ पर 10 सीटों में बिठाया है, साथ हम साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम नजायज पब्लिक के साथ नजायज जोड़ देंगे बिल्कुल भी। हम छत्तीस ब्यादे के साथ हैं, छत्तीस ब्यादे के साथ रहेंगे, क्योंकि आज कहते भी यहाँ जी मेरा सारा पूरा फ्लड एरिया, मेरे जहाँ मेरे जो 50 गाँव में सब्जी लगनी, खुद ही अपने आप सब्जी लगाते हैं, अपने आप मक्की लगाते हैं वहाँ, अब जबरदस्ती थोड़ी किसी वजह में मक्की लूँगा। अब इतनी बात थी, नहर क्यों बंद करिए, रेड जोन घोष करे, क्यों नहर बंद करिए, सिर्फ जो टैबिटेट देगा, ऐसे थोड़ी मदद तो आपको लगता है कि उनकी जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारों के साथ हूँ, मैं सरकार के साथ हूँ, सरकार के साथ रहूँगा, पर ना जिम्मेदार के नजायज ना मजदूर के नजायज। आपने बात कही कि बन्नौर में नहर बंद कर देगी, जो टैबिटेट लेने के बावजूद क्या उन लोगों की जमीन नहीं थी जिन्हें नहर, बिल्कुल नहीं थी, बोले आज मेरे साथ चलो आप पत्रकार हो, सारे जिम्मेदार कहते हुए नहर चलनी चाहिए, और सारे सारा नड़वी एरिया देख ले, सारे एरिया देख ले, आज इस टाइम बाद एक पानी की लोड पड़ती है, जिस टाइम जिली जिला वहाँ दोबारा पानी की लोड ही नहीं पड़ती, खुद ही जीरी मरती है उनके अपने आप, मक्का तो क्या वहाँ चली नहीं होती, वहाँ तो क्या होगा जीरी नहीं होती। तो मैं कहना चाहूँगा, पता क्या, गुमराह ना हो, गुमराह का मतलब हमारी भी ना बदनामी करो, अपनी भी ना बदनामी करो, सही चलो, जो हकदार है उसका हक मिलना चाहिए, जो जुल्म करा उसको जुल्म मिलना चाहिए, जो गैर जुल्म करे उसको दंड मिला। क्या अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हो कि पब्लिक सब दोस्त खराब हो जाता है, वो थोड़ी फिर भी सफाई कर दो, बड़े सिस्टम पर। तो सर आपको क्या लगता है कि जहाँ पर 10 के 10 भी तो आप जो है एसपी मैडम को क्यों नहीं कहते यहाँ जाए? देखो मैं बताता हूँ बात, अब उसके पास मेरा कल से बदल पता है नहीं मैडम, और भी असर क्या, कोई ना कोई गुमराह तो फिर भी कर ही देवा, मैं तो एक बात कहूँ, गुमराह तो फिर भी कर दे कोई ना कोई, हम कहते हैं भी सही काम होना चाहिए, किसी का नुकसान भी होना चाहिए। ये थोड़ा सारे एपिसोड में जो दिख रहा है, पूर्व विधायक की क्या भूमिका देखते हो? आपने पता पूर्व विधायक का तो आपके मुंह से तो आना चाहते हैं, मेरा तो मेरा पता क्यों हुआ, देखो जब गुमराह करे किसी को ऊपर, गुमराह क्यों करा किसी को, सही होना चाहिए। आप नहर क्यों बंद कराई, हाँ जीरी लगने क्यों बंद करा, यहाँ तो जीरी नी फ्लड माँ जीरी मरने लग रही, यहाँ तो मक्की जीरी मक्की कहाँ तो जाएगी, यहाँ यहाँ सारे जिम्मेदार खड़े जितने बोले पूछते सारे जिम्मेदार, तो जाओ एक जिम्मेदार टहल लेकर आया उसको ठेका अंदर दे दिया, खामा से निकल लिया आदमी को, दो चार चार आदमी अंदर दे दिए, दो घंटे में तो मैं कद रहा भी छोड़ छोड़ भाई, ऐसे थोड़ी मान ठीक है आदमी फिर तो मैं ऐसे थोड़ी रात में प्रसार कर, तो बता क्यों नहीं करते, क्यों क्यों परेशान, हम कहते गलत बंदा है और फी बेच रहा है, बुक्की बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है, उसको क्यों नहीं पकड़ते, पकड़ो पर्चा दर्ज करो, हम क्यों रोकते हैं, हमारे को क्यों बदनामी देते हैं, हम दारू सारे हम बेची, मैंने कहा यहाँ दारू बिक्री क्यों नहीं पकड़ी, नोटबंदी में दारू बिकी नहीं बिकी, पूरी खुली दारू बिकी नहीं बिकी लॉकडाउन में, क्या हो गया प्रशासन का, अब समझते लोग तो पता नहीं, हम मेरे तो कपड़े पाट देते हैं लोग बार बार सवेरी खड़े करे ऐसे, तो भाई ठीक है हम कहते हैं भी आप भी ना गलत करो, आप गलत दुकान ना खोलो, मेरे पास मेरे पास भी गलत दुकान ना खोलो, अपने तरीके तो दुकान खोलो, अपने तरीके तो बंद करो, फर्क को कुछ नहीं कहागा, अगर जो फिर उनको फिर भी उनको ऐसे तास हो फिर तो देखो हमारे किसी, फिर तो अपने आप एक साइड में खड़ी हो जाती है मोटरसाइकिल, फिर तो एक मतलब नहीं अभी जो सामान लेने लाकर जाओ जा, मेरा तो कहना अभी मतलब जो सही काम चला तो प्रशासन भी ठीक, SDM भी ठीक, DSP भी ठीक, सारा कुछ। आपसे सलाह क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारे सलाह तो लियो आज कोई कोई कोई, कोई किसका मुंह से बाप तो है नहीं कोई भी, ना वो पूछा ना तो अच्छा, क्यों दब दबाव तो खत्म हो रहा सारा कुछ, हमारे से सलाह ले वहाँ सारे सारे दुकानदारों में एक बार कमेटी बना कर एक बार सलाह ले वहाँ,
उनसे पूछ ले एक बार, मीटिंग लेकर सारे रेस्ट हाउस बुला ले, मेन मेन सारे कमेटी बुला ले एक बार, पूछो भी थारी क्या रहा है, अपने आप ही लठ मार रहे, अपने आप ही खोल रहे, अपने आप पर्चा दर्ज करे, कोई कोई रास्ते में जा रहा उसका मारे, ऐसे तो प्रशासन के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है, जो गलत है तो उसका गलत पर्चा दर्ज करो। इसके बारे में प्रशासन से आपकी बातचीत कहते हैं, हमने किसी को गलत की सहायता कर दे, गलत आदमी है गलत का पर्चा करो जो मर्जी करो, अगर जो ठीक आदमी है पर्चा दर्ज हो रहे, हाई के आदमी व्यक्ति ठीक चल रहा उसको ठीक काम कर करे अपना, उसको भी परेशान करा जा रहा, फिर तो हमारे लिए दिक्कत है, हम गलत आदमी गलत घूम रहा गलत काम कर रहा तो उसको पर्चा दर्ज करो, कुल करो, हम थोड़ी कहा हम गलत आदमी का, हमने उसकी नौकरी थोड़ी ख़राब करनी है, इसकी नौकरी ख़राब करने में गलत को छोड़ दो, हम ठीक आदमी को छुटवाओ, जो आदमी कैदे चले कैदे भी चले, कोई हमें काम कर कह रहे हैं, कोई दिहाड़ी मजदूरी दे रहा है, कल्ला आदमी चला रहा क्या जुलम मौसम, उसको ठेगा पकड़ ले। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।